अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह शहीद भाई की जो है पैकिंग हो गई, जैसा आपने देखा होगा सारी जगह लॉस के अंदर। तो अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि शहीद का आखिरी दिन था पाकिस्तान में। सुबह नाश्ता भी कर लिया था और तो चाहे निकलते हैं। पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। ये शहीद भाई ये वाली जैकेट पहन के जाएंगे भाई, जैकेट। अभी हर जगह से कॉलेज आ रही है उनके पास, सब उनसे बातें कर रहे हैं। तैयार हो गया, आ चुका है भाई, घूमते नीचे। भाई बैग वैग हमने रख लिया सब अंदर, गाड़ी के अंदर सबको रख दिया। तो भाई हम निकल रहे हम लोग चांद पे हम चांद पहुंच चुके हैं। देखे चांद की जमीन ऐसी होती है, पूरा सॉक्स। हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, बहुत तैयारी की है आज शुरू सब लोगों ने, बहुत अच्छे से। देखो सबके सब कैसे तैयार हुए, पापा गाड़ी चला रहे हैं, टीचर भाई बैठे हैं, बातें, और एक मैं। अरे बड़ा अजीब सी फीलिंग है क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब एक तो प्लेन में बैठ रहा है और फिर उसके बाद आप बाहर जा रहे हैं कितने लंबे अरसे के लिए, अब वापस आएंगे कुछ नहीं मालूम। तो बस दुआओं में याद रखें, बाकी इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट पे जाकर वापस मुलाकात होगी। हाँ तो भाई फाइनली अल्लाह का शुक्र है ये मेरी बोर्डिंग हो गई है। थोड़ा उन्होंने चेकिंग की लेकिन अल्लाह का शुक्र अब सब सेट है। ये देखिए मेन अब माशाल्लाह से सब कुछ सेट है। मैं प्लेन में बैठ के इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करूँगा। चलो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। अभी पहुँचते ही मिलता हूँ वापसी से मैं आपको। देखो भाई ज़मीन खुद चल रही है, ये ज़मीन मुझे लेके जा रही है तरक्की की तरफ। वो प्लेन खड़े हैं, अभी इसी प्लेन में बैठेंगे। ये लोग वापसी जा रहे हैं और हमें अभी सीधा सीधा निकल रहे हैं। भाई प्लेन व्लेन में बैठेंगे, मज़ा आएगा। कुछ नया नया फील हो रहा है बिल्कुल, कुछ नया सा एकदम, अभी ऐसा हुआ नहीं। हैंड कैरी में भी उन लोगों ने मसला कर दिया, वरना तो बहुत काम होने वाला था इस वक्त मेरा। भाई वाली शर्त खराब है, वाली खराब है शर्त। चल सीधा सीधा आगे चल रहे भाई, थोड़ी खुआरी तो करनी पड़ी, काम ज़्यादा ही हो गया था। प्लेन व्लेन और फिर इमिग्रेशन के लिए चेक कर रहे थे बार बार, मेरा वीज़ा भी चेक करा, वीज़ा की कॉपी और है नहीं, यही मौजूद है, ये लेके जा रहा हूँ। भाई फाइनली बोर्डिंग हो गई है एंड वी आर गोइंग, माशाल्लाह। अभी बस इंशाल्लाह ताला प्लेन पे बैठेंगे, पता नहीं अलाउ करें ना करें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सफ़र पूरा दिखाऊंगा आपको यहाँ से लेके आगे तक। एसी तो बड़ा अच्छा चल रहा है यार, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैं आके बैठ गया अपनी सीट के ऊपर, ये 20D 20E 20F, ये मैडम है अंग्रेजी, दे रही बाहर देख रहे हैं आप, मैंने तस्वीर ली है। इंशाल्लाह ताला थोड़ा अलग अलग फील आ रहा है माशाल्लाह से, कुछ नया करने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं अभी क्या होता है, वीडियो बनाने का मौका मिला तो बनाएंगे, बाकी भी बैठ तो चुके हैं, देख सकते हैं आप। पैकेज अपना ऊपर रखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे रखने की जगह नहीं है, बाकी अल्लाह का शुक्र सब सेट है। देखते हैं कौन आता है, बराबर में बैठते हैं। पूरी दुनिया आज मेरे हाथ में है, जिस तरह चाहूँ घुमा दूंगा। देखो अभी आने तो जाऊँगा हारिस भाई को। तो भाई फाइनली हम लोग दुबई में, उसके बाद बस पे बैठा हूँ, तो टर्मिनल बस है उस पर बैठा हूँ। अभी वहाँ पहुँचूँगा एयरपोर्ट, तो आगे की बात बताऊँगा। पूरा रश लगा हुआ है पूरा इस वक्त, अच्छा सफर था, बेहतर था, लेकिन क्या बताऊँ।
होने वाली बातें होकर रह गई है। बस दुआ करें, थोड़ा सफ़र थोड़ा लंबा है, 4 घंटे रुकना भी है, तो बस चल के बाद अंदर चल के बात है। फाइनली टर्मिनल 3 से यहाँ पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर लगी बनाने में, सॉरी इसके लिए थोड़ा देर हो गई, मैंने पूरा ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया था रास्ते का, क्योंकि मसला है आसपास लोग बहुत बैठे हुए थे, किसी को कंफर्टेबल नहीं करना चाह रहा था, बस अभी यहाँ से ज़रा पता लगाता हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। भाई ये देखिए आप, ये होती है भाई जगह, यहाँ जितना बड़ा इनका एयरपोर्ट है उतना बड़ा हमारे यहाँ पता नहीं कितने लकी वन आ जाएंगे इसके अंदर। बड़े बड़े ब्रांड खुले हुए हैं, परफ्यूम कॉस्मेटिक, मैं तो लग रहा है मेरी जेब बचेगी ही नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं जेब खोल ही नहीं रहा अपनी, किसी को बताया नहीं मेरे पास कितने हैं। यहाँ बहुत अजीब ही माहौल है भाई, ये देखो इतने सारे अंग्रेज़ों को देख के मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर, डबल हैप्पीनेस, हैप्पी पता नहीं क्या है, हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर। भाई मुझे लग रहा था कि मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन भाई ये तो शरीर में काफ़ी बड़ा चलता ही आ रहा है, इसलिए मुझे बोला कि सीधा चलते रहो, सबसे सीधा चलेंगे। देखिए ये है मॉल पूरा का पूरा, यहाँ से दिल चाया खरीद लूँ लेकिन पता नहीं यहाँ पे कितनी महंगी चीज़ें हो, इसलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। एक मिनट जरा एक चीज़ दिखाई देता हूँ, कीमतों का ना बहुत आइडिया देता हूँ, देखो ये सी, मुझे नहीं पता उस कीमत का क्या मतलब था, बट जो भी थी बहुत ज़्यादा थी। बस देखते हैं अभी आगे चलता है, जा रहा हूँ पहुँचता हूँ तो बताता हूँ, कहीं ना कहीं तो रुकूँगा इंशाल्लाह। हाँ तो भाई इस वक्त मैंने 14 दिरहम लिए यहाँ से, और 2000 रुपये पाकिस्तानी के बदले में मुझे 14 दिरहम मिले, तो देखते हैं मुझे 14 दिरहम में यहाँ पे क्या मिल सकता है, देखते हैं, आइए ढूँढते हैं। गिव मी दिस एनर्जी मिक्स and little bit of cashew jumbo, so then give me that cashew only? Yes, cashew jumbo. Can you please tell your name to my brother? Which one? My brother, can you please tell your name? My name? Yeah. Hassan. Hassan? Yeah. Okay. Say hi to your brother. Okay. भाई ये 14 दिरहम हमने दे दिए और ये यहाँ पे हमें मिल रहा है 14 दिरहम में हमें मिले काजू। कोचिंग कार्ड या फिर बोर्डिंग कार्ड देना पड़ता है भाई, थैंक यू। बोर्डिंग कार्ड देते हैं ना तो यहाँ पर वो आता है, और बस $4 कम थे, बोला अच्छा मुझे ये भी मिल सकती थी बट मुझे ये मिला अल फिराई। अब जो भी है ये है तो एक विदेशी ब्रांड, और अभी कुछ भी नहीं है, बाकी अल्लाह का शुक्र है आज हमें मिल गए। हसन भाई ने हमको ये भेजा है, हसन भाई वहाँ पे मौजूद थे, अब हम जल्दी से चल के ज़रा देखते हैं कि हमारी बोर्डिंग ना हो रही हो। अभी लग रहा है आप जाके डी कैटेगरी ख़त्म होएगी, अभी तक करेंसी भी एक्सचेंज नहीं कराई है, मुझे तो लग रहा है आइडिया ड्रॉप ही करना पड़ेगा करेंसी चेंज कराने का। ये तो आधा पाकिस्तान बिक जाएगा भाई यहाँ पर, लग रहा है खर्चा करने लगा तो। ये देखिए वहाँ पे मेरी फ्लाइट का नंबर शायद आएगा, मैंने इंतजार करें ये आ जाए यार, क्यों बेइज्जती करा रहा है भाई, चलो छोड़ो बहुत लंबी हो रही है, वैसे ही अभी ढूंढना है सामान। तो भाई ये ना स्पेशली है ही स्मोकिंग का पूरा एरिया, यहाँ पे आपको मतलब मेरा जो हिसाब मुझे जो मैंने तो घूमा हूँ तो यहाँ पे आपको दुनिया का हर किस्म की सिगरेट आपको मिलेगी, और अगर आप अंदर चले लेट्स गो इनसाइड, तो ये देखो ये परफ्यूम की दुकानें हैं, हमें केयरफुल रहना होगा कुछ टूट फटा ना जाए, क्योंकि भाई हमारी इतनी औकात नहीं है कि यहाँ कुछ भी भर सकें। ये देखो रोज़ा बुक $20 की बोतल है, और ये खड़ी है भाई बाय एंड विन, मैं तो कहता हूँ एक बोतल ख़रीद लेते और एक मिनट की शर्तें पढ़ते हैं चल के क्या लिखी है। ये देखो ये है भाई 100 धरम्स पर टिकट अप्रॉक्स $28 USD BMW
1 in 100 and 200, 1200 chance to win. ये है भाई, ये मिलेगी। ये भाई आज़ाद मुल्क है, आज़ाद लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली भाई ये मिल गया C22 सामने। इतना चलने के बाद ये एक्सचेंज किया है दुकान, यहाँ पे आपको अपने पैसे देके कोड़ियों के भाव मिलते हैं। आई थिंक यही C22 है, यही C22 लग रहा है मुझे। मेरा C22, वहाँ पे भी C22 लिखा हुआ है, नीचे पता नहीं कुछ अरबिक लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना सा भी क्या लिखा हुआ है, वो छोड़ देते हैं। ये है सर C22। ये देखो भाई, ये एक और तरीका है, यहाँ से ड्रिंकिंग पॉट इस तरीके से निकलता है, देख रहे हो? तो ये इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर निकलता है, और ये लोग इसको ना भरते हैं, पानी वगैरह भरते हैं। जैसे मैंने अभी ये बोतल भरी है अपनी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि वो लोग माशाल्लाह से पानी तो दे रहे थे लेकिन बड़े अजीब तरीके से दे रहे थे, मैंने आपको दिखाया था। तो अभी देखते हैं, बस अभी तो बस वॉशरूम गया था, वॉशरूम भी बहुत मतलब अलग ही किस्म के हैं भाई। तो अभी बस बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, बाकी देखते हैं, बस मैं आपको बताता हूँ जैसे ही मैं जाऊँगा ना ट्रेन में घुसने लगूँगा फिर से बताऊँगा, अभी बस अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही। तो भाई पे हम लोग फाइनली अब दुबई से भी हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। ये देख लीजिए भाई, दुबई है ये, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब बस फाइनली हमारा हो गया आज, अब फाइनली बिश्केक में ही मुलाकात होगी। बाकी अगर अंदर मैं कोई वीडियो बना सका तो ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।